हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार हमारे वीडियो में स्वागत है। मैं मनीष पांडे आपको अपने YouTube चैनल बंदा बनारस में स्वागत करता हूं। और आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और आज हम आए हुए हैं चक्का हरौआ स्थित माता शीतला के मंदिर में, क्योंकि यहाँ के भगत जी श्री सुमित गुप्ता जी जो निरंतर यहाँ पे देख रेख और सेवा भाव से, भक्ति भाव से भजन और पूजन का काम करते हैं, माता का सेवा करते हैं। और आप देख सकते हैं कि नीम के पेड़ में बोलते हैं कि स्वयं जो है खुद ही विराजमान यहाँ पे हुई हैं और लोगों को जो है लोगों की मनोकामना जो है पूरा करने के लिए हमेशा यहाँ रहती हैं। और इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी है नहीं, भगत जी से पूछते हैं क्या है इसके बारे में, कुछ बताइए आप बताइए कुछ माता जी के बारे में, यहाँ पे क्या है जो आप इतना भक्ति भाव से आप भजन पूजन करते हैं और लोग भी आते हैं अपनी मनोकामना पूरा के लिए माँ से आशीर्वाद मांगते हैं, और क्या रहस्य है कि यहाँ पे जो है माता ने खुद जो है अपना स्थान चुना है, आप बताइए इसके बारे में। माता जी की बड़ी कृपा है, उनका स्थान हर जगह पर है। जहाँ श्रद्धा है का यथा भक्ति यथा शक्ति, जो जैसी भक्ति करे उसी शक्ति प्राप्त होता है। और माता जी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे, वो तो जब की जगत जननी है। कृपा सबके ऊपर है, जो जैसी भक्ति करता है उसे प्राप्त होता है। संत तो तमाम है पृथ्वी पर, भक्त भी हैं, लेकिन भावना और भक्ति अलग अलग है। और माता जी की कृपा है, आज वो आई हैं, विराजमान हुई हैं और जगत का कल्याण हो रहा है। जो आ रहे उनका भी हो, जो नया है उनका भी हो, सबका भला। तो आप देख सकते हैं भगत जी से बात हुई है, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मनोकामना पूर्ण हो जाती है किसी की भी, वह तो घंटा आदि जो माना रहता है माता के दरबार में लगाने के लिए, आप देख सकते हैं कि घंटा वगैरह जो भी लगा हुआ है सब मनोकामना पूरी हो जाने के बाद लगाया गया है। और आज मैं यही इसी बहाने आ गया था, थोड़ा सा माता का जो है मुखौटा वगैरह जो उनका चेहरा वगैरह थोड़ा सा जो है साफ सफाई थोड़ा सा करने के लिए आज मन कर दिया। तो आज दर्शन भी हो गया और भगत जी से मुलाकात भी हो गया। आप भी आ सकते हैं यहाँ पर, यह यूनियन बैंक चक्का पर पड़ता है और ठीक उसी के पास अब भगत जी करके फेमस हैं ये। और काफ़ी यहाँ भीड़ होती है नवरात्र के महीने में, कलश स्थापना होती है और कलश यात्रा होती है, हवन होता है, पूजन होता है, गांव की महिलाएं आकर सोहर पचरा आदि जो है भक्ति भजन करती हैं और काफ़ी धूमधाम से इनका जो है नवरात्र का जो है पावन पर्व मनाया जाता है। और काफ़ी पुराना नीम का पेड़ है, माता स्वयं यहाँ पर विराजमान हुई हैं ऐसा लोगों का मानना है और लोगों की मनोकामना पूरी होती है और लोग काफ़ी जो है भक्ति भाव से यहाँ पर जो है दर्शन के लिए आते हैं। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, माता रानी के लिए जय माता दी लिखिएगा कमेंट में और साथ ही शेयर करिएगा। और आने वाले वीडियो को देखने के लिए नोटिफिकेशन जरूर बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, ओके बाय, जय माता दी।